अच्छा आज वर्ल्ड कप में साथ साथ वार्म अप मैचेस का भी आगाज हो गया है, तो आज का जो वार्म अप मैच था एक तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था, जिसमें इंडिया जीत गया। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया के पास होम ग्राउंड होम क्राउड है, फिर भी इंडिया ने आज हराया है उस वार्म अप मैच में। लेकिन आज जो दूसरा मैच है वो पाकिस्तान का था इंग्लैंड से, अगर हम उसका स्कोर कार्ड भी दिखा सके। पाकिस्तान ने आज अपना पहला वार्म अप मैच खेल लिया, जिसमें जाहिर है बहुत सारे आम खिलाड़ी नहीं भी थे, रिजवान नहीं थे, बाबर नहीं थे, लेकिन उसका नतीजा क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 164 रन और इंग्लैंड के चार खिलाड़ी आउट हुए। जवाब में पाकिस्तान की टीम बना सकी 160 रन। इंग्लैंड ने आज का यह मैच 6 विकेटों से जीत लिया। ये यूनुस भाई, ये कोई मैंने आप ये कहेंगे कि यार ये तो खैर है वार्म अप मैच है या नहीं भाई? अभी आगे बस वर्ल्ड कप लगा हुआ है, 23 तारीख को पहला मैच है हमारा, उसी में पहले तो ये वार्म अप मैच था। हाँ, जिस तरह हमने बैटिंग किया आज, हमारे बेसिकली बाबर आजम भी नहीं थे और उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी नहीं थे, तो ठीक है उनको रेस्ट कराया और आज बिल्कुल यंगस्टर्स को नहीं, लेकिन जो बाकी बेंच हमारी स्ट्रेंथ थी उसको हमने पूरा मौका दिया, क्योंकि अगर पास में देखें यही होता था कि ये दोनों खेल जाते हैं और मिडिल ऑर्डर को चांस नहीं मिलता। हाँ, तो एटलीस्ट आज वो नहीं थे तो हमने 160 रन्स कर दिए हैं। सही है, अगर इतने ही एक मुश्किल मैच में अगर आप 150 प्लस ऐसी पिचेस पे आपके पास और आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो आपके पास चांस, एटलीस्ट ये हुआ। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने चेस किया है इट वॉज अमेजिंग। अच्छा, क्योंकि उन्होंने एक तो अच्छा किया कि अगर हम उनको देखें तो जो टीम उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खिलाई, फिर रिसेंट पास में थोड़ी सी चेंज की उन्होंने वो जो उनके जो रेस्ट प्लेयर्स थे उनको दोबारा उन्होंने लाया और जिस तरह वो जीते हैं। लेकिन उन्होंने आज मिक्स टीम खिलाई। हमने पहले भी ये बात किया सुबह कि हम भी ये अच्छा होता सही कि है। हम भी वो जो हमारी एक, क्योंकि एक ही मैच है उसके बाद फिर हमारा एक बहुत बड़ा मैच है, बड़ा मैच होने 23 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो अगर आप खुदा ना खास्ता अगला मैच भी हार जाते हो और आपके वो प्लेयर दोबारा आके खेलेंगे और खुदा ना खास्ता उनसे परफॉर्मेंस होता है तो ये थोड़ा सा डिमोरलाइज होता है। लेकिन एटलीस्ट 160 रन हुए, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड खेला है आज उन्होंने हमें, लेकिन आपके लिए अच्छा आउट क्लास किया उन्होंने हमें। भाई कामरान भाई बता रहे मजमू पाकिस्तान की टीम का जो स्क्वाड है, अगर स्क्वाड भी दिखा सकें तो आप इस स्क्वाड में आपको क्या लगता है कि भाई कितनी जान है? स्क्वाड हमारे सामने भी है, बाबर आजम कप्तान जाहिर है, फिर रिजवान है और फिर ये सारे आसिफ अली फखर जमान, सारा स्क्वाड हमारे सामने आप अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। बल्कि मुझे याद आ गया वो स्क्वाड के बारे में, तो आपने भी कुछ कहा, आप भी स्क्वाड से कितना मुतमईन है? बल्कि कामरान भाई ने क्या कहा था स्क्वाड के बारे में, जरा दिखा भी दे कामरान। हमने 11th आर में कामरान भाई से पूछा कि भाई ये जो टीम जो प्लेइंग 11 है हमारा एशिया कप का, अगर उन्हीं में से निकला प्लेइंग 11 यहाँ का भी तो क्या क्या कहा, दिखाएं सबसे पहले कुछ हो सकता है क्या हो सकता है? देखिए वर्ल्ड कप से पहले बहुत कुछ हो सकता मसलन है, और लड़के जो डिजर्विंग है, परफॉर्मेंस है, जिनकी परफॉर्मेंस है उनको लेके जाए, ना के जो पिछली 3-4-5 साल से सिलेक्शन हो रही है उसको चेंज करें। डोमेस्टिक के परफॉर्मर, ये नहीं कि यंगस्टर है तो ले जाए, जिसके सीजन 2-3 साल लगे हुए हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी हुई उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए जो टीम के लिए बेहतर। अगर प्लेइंग 11 इन्हीं में से निकली तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी? देखिए मैं तो टीवी तोड़ दूंगा अपना। टीवी सलामत है कि नहीं है बता? लेकिन क्या कह रहे हैं? बचाएं, सारे बचाएं, अपने अपने टीवी बचा लो, बचा लो जी, बचा लो स्क्रीनें, बचा लो भाई एयर भाई वालों, बचाएं जी बचाएं। ये बताएं इनमें से वो सेम टीम तो नहीं है? आप बताएं ना, आप वो आया क्या नाम है, शाहीन आ गया वापस, एक अच्छा इजाफा है, फखर वापस आ गया, शाहीन तो सब वैसे भी फिटनेस की वजह से मार था ना, शान आ गया वापस, तो एक चेंज तो हुई है। लेकिन ये है कि अब टीम चली गई है, अब हमने इनको सपोर्ट करना है, पोस्टमार्टम हम जब खत्म होगा उस वक्त करेंगे, लेकिन इस टीम में एबिलिटी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, ट्रायंगलर सीरीज जीते हैं, आज का मैच भी जरा सीरियस खेल लेते तो और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाना था। बेस्ट टीम थी टूर्नामेंट की, कहा जाता मॉडर्न डे की क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने बड़ी फास्ट क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, तो हमारे प्रॉपर बैट्समैन खेलते 5 सही ज्यादा अच्छा होना था, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होना था। तो अगले मैच बाबर और रिजवान को खेलना चाहिए था आज का मैच, बिल्कुल खेलना चाहिए था, और अगले मैच में रेस्ट कर लेते अफगानिस्तान की टीम। अच्छा ओके, तो ये साइड के साथ जाते तो ज्यादा अच्छा। साइन ये है कि शाहीन शाह वापस आया, सही है, 2 ओवर किए, 7 रन दिए, उसको वर्कलोड मैनेज करें, एकदम से 4 ओवर करवाना ठीक नहीं है, ये अच्छा सेंसिबल मूव है कि 2 ओवर करवाए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे, सही है। तो एक उम्मीद लग रही है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे, अल्लाह करे इंशाल्लाह। आपको मुझ क्या क्या अजीब गरीब चेहरे बना रहे थे वर्ल्ड कप की टीम है, वर्ल्ड कप की टीम है नहीं, ये जाहिर है गली मोहल्ले की थोड़ी है,
ये लास्ट वर्ल्ड कप की है, ये करंट, ये लास्ट वर्ल्ड कप है, लास्ट वर्ल्ड कप, लास्ट वर्ल्ड कप की टीम दिखा दे जी। अच्छा भाई, लास्ट वर्ल्ड कप की टीम कह रहा हूं, ये इस वर्ल्ड कप की टीम वो जैसे मैंने वहां नहीं देखा वाला कमान अकमल का भी वो पुराना वाला दिखाया तो इसलिए वो पुराना वाला दिखा। हां सब पुराना ज्यादा। अच्छा हां, इसमें सरफराज भी लिखा हुआ है। अच्छा भाई, वैसे ये बता दें क्विकली, दो वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए और दो दिनों में दो अपसेट। मुझे याद नहीं पड़ता कि हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई अपसेट होता है, लेकिन पहले ही दो दिनों में एक श्रीलंका जो कि अभी एशिया कप जीत कर आई है, एक वेस्टइंडीज जिसके अभी हालात खराब है लेकिन दो दफा की वर्ल्ड चैंपियन है, वेस्टइंडीज स्कॉटलैंड से हार गई, श्रीलंका नामीबिया से हार गई। सवाल मेरा आपसे ये कि क्या, यानी इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि हम जो सोच के बैठे थे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में ये टीमें आ जाएंगी, अब वो भी चेंज हो सकता है। चूंकि नाज़रीन जो नहीं जानते उनके लिए कि क्वालिफाइंग ग्राउंड है, तो इनमें से, इन टीम्स में से कुछ टीमें बाहर होंगी और चार टीमें अंदर आएंगी, तो इसका मतलब ग्रुप की अरेंजमेंट भी चेंज हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और जितनी भी टीमें वो ये सोच के ना बैठे कि हम आराम से कि मैं निकाल देंगे, मसला नहीं है। ये श्रीलंका को पता चल गया, नामीबिया से हार गया और वेस्ट इंडीज को पता चल गया, लग पता गया स्टार्टिंग में उनको। और नामीबिया ने जो क्रिकेट खेली है लास्ट वर्ल्ड कप में भी जो खेली थी, वहीं से आइडिया हो रहा था कि ये टीम एक टाइम पे आके लगता है एक अच्छी टीम बनेगी। और जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने आखिरी पांच ओवर में परफॉर्मेंस दिया, कितने 62-63 रन मार दिए, पता नहीं क्या 70 के करीब करीब उन्होंने रन्स की लास्ट फाइव ओवर्स में, तो उन्होंने बता दिया कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जीत भी गए। फिर उसके बाद दूसरे मैच की आपने बात की, स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, ठीक है। और मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, वीक टीम के खिलाफ आप पहले उनको बैटिंग दे रहे, अगर उन्हें इस तरह के प्रैक्टिस मैचेस में सारे तजुर्बे नहीं कर लेने चाहिए, क्योंकि आप मेन मैच में तो कर नहीं सकते। उसकी तजुर्बों की वजह ये होती है कि एक तो चले वेस्ट इंडीज़ की टीम खुद वहाँ कोई सीरीज खेली हो, अभी लेटेस्ट को खेली हो, या वहाँ की टीम हो, तो उसको समझ भी आता है। और वैसे भी हाँ, उनके लिए कोई वार्म अप मैच तो नहीं था ना, उनके लिए तो क्वालिफाइंग मैच है, ठीक है, तजुर्बे तो नहीं कर सकते, सही से उन्होंने ऊपर तो आना है ना, तो ये जो चीज़ें हैं इनको बेहतर करने की जरूरत है। पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, मैक्सिमम जितना ज़्यादा रन करते, आपने वीक टीम को बैटिंग करवा के अपने आप को जीतते हैं, उनका गेम प्लान अच्छा था, उसके काम किया उन्होंने, जिसकी वजह से वो जीते हैं। देखिए इतने लंबे मार्जिन से जीते हैं, अपसेट होता है क्लोज जाके, अपसेट ये नहीं है कि क्लोज जाके, क्लोज मैच अपसेट ये ना कि कमजोर टीम जीत गई, तगड़ी टीम से लंबे मार्जिन से जीते, इट्स मीन के वो ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेले। ओके, ग्रुप्स दिखाएं नजर। अच्छा ये यूनुस भाई, एक ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, अब बाकी देखते हैं कि नीचे दो कौन आते हैं। और हमारा ग्रुप है पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, तो कौन सा ग्रुप आसान है? देखें, लग तो पहले ये रहा था कि शायद ग्रुप टू जो है वो इजी होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि इसमें हल्की टीमें आ जाएंगी, हल्की टीमें आ जाएंगी, लेकिन ये कि अभी यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी टीम आ जाए। लेकिन देखिए, अगर हम दोनों ग्रुप्स की बात करें तो सच ऐसा नहीं है कि दोनों ग्रुप बहुत इजी हैं। देखिए, हर मैच को आपको बहुत सीरियस होकर खेलना पड़ेगा। आपको लग रहा है दोनों ग्रुप्स में 19-20 का ही फर्क है, या मैंने कुछ मीम्स देखी कि वो उसमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तीनों अफगानिस्तान को उठाए हुए हैं कि जैसे भाई ये तो बेचारी है, तो वैसे ही हाल है या नहीं? ऐसा नहीं है। अच्छा। अफगानिस्तान की टीम अगर हम ये बात कर लें, हाँ, वो जाको आपको जीतने देगी तो ऐसा नहीं है, हाँ, वो वहाँ पे वो आपको काफी फाइट देगी, ऐसा। आप तो बैटिंग कंसल्टेंट भी रहे ना, उनकी ख्वाहिशात बहुत ऊंची, और अभी आपने एशिया कप में देख लिया, हाँ, कि कितना क्लोज अगेंस्ट पाकिस्तान उनका मैच। ओ यस तो वो ऑन द डे कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ दोनों ग्रुप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यहाँ से ये टीमें बहुत जबरदस्त लग रही है। अगर हम यहाँ इसी तरह अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, हाँ, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, और जिस तरह उन्होंने अपना वार्म अप गेम खेला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, यस, वो अमेजिंग। हाँ। हम एक और मैच भी भूल गए, अभी यूएई को भी हारे हैं, नीदरलैंड ने हराया, हाँ, हाँ, हाँ। तो नीदरलैंड ठीक है, वो कम मार्जिन से वो जीते, लेकिन ऑन द डे अगर आप T20 में थोड़ा सा भी आपका एग्जीक्यूशन अच्छा, दो तीन घंटों में आप अच्छा खेल गए, वो दो तीन घंटे में भी नहीं, वो दो तीन ओवर में मोमेंट, हाँ, वो एक मोमेंट भी आपने मिस कर दिया। अगर हम जिस पिछले मैच की बात करें तो नामीबिया के भी 6-7 आउट, पांच ओवर में सारी गेम पलट दी ना, 6 आउट हो गए, हाँ, उसके उसके बाद उन्होंने वो जो आप एक पार्टनरशिप भी हुई है वो पूरा गेम चेंज कर, एक गेस लेना है मैंने आप तीनों से, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबको भी कि T20 जाहिर है सातवां वर्ल्ड कप है ना, T20 की 7 ट्रॉफी अब तक हुई है। सो अब मैं आपको दिखाते हैं कि ये 8वां है, 7 हो गई है। सो उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन कौन रहे अब तक के T20 वर्ल्ड कप में, फिर इन लोगों से पूछेंगे कि इनका वाइल्ड गेस क्या है कि कौन सा प्लेयर है जो इस T20 वर्ल्ड कप का वो बन सकता है। सो जी क्या कह रहे हैं जी?
अच्छा जनाब, सो 2007 जो T20 की तारीख का जो पहला वर्ल्ड कप था उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज हासिल था शाहिद खान आफरीदी को, पाकिस्तान के खिलाड़ी को शाहिद आफरीदी बने थे। दूसरा जो अगरचे पाकिस्तान इसमें जीता नहीं था, पाकिस्तान इसमें फाइनल में हार गए थे हमने इंडिया से, मिस बाबा कप्तान तो जीता, लेकिन 2009 वाला जिसमें पाकिस्तान जीता था जिसके दो खिलाड़ी हमारे सामने बैठे हैं उसके जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो थे तिलकरत्ने दिलशान। फिर 2010 वाले में केविन पेटरसन, 2012 में शेन वॉटसन, 2014 में भी विराट कोहली, 2016 में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। क्या जबरदस्त खिलाड़ी हैं, क्या बात है। और 2000 बिल्कुल तालियां बजा सकते हैं भाई, अच्छा खिलाड़ी कोई भी हो उसको तारीफ करनी चाहिए। 2021 में डेविड वार्नर, अच्छा वो नीचे हमारा टीम का एक मेंबर मिला हुआ था शेन वॉटसन से, इसलिए उसने 2022 के नीचे शेन वॉटसन डाल, लेकिन आप उसके प्रेशर में ना है, आप अपना गैस करें उनको वापस ले आते हैं ये एक बंदा है कोई जो जिसकी ख्वाहिशात है वो सरफराज को वापस ला रहा है वो शेन वॉटसन। आपका क्या ख्याल है कि कौन प्लेयर टूर्नामेंट, चले आप दो नाम बता दें तीनों फिर देखते हैं देखेंगे आखिर। मुझे लगता था कि अगर शाहिन शाह आफरीदी फिट होते हाँ तो बहुत चांस था उनके पास, क्योंकि अब वो उनकी फिटनेस वैसी, आज की बॉलिंग में आपको जरा परेशानी नजर आई कि यार वो वाला शाहिन है, अभी अर्ली है उनके लिए क्योंकि पहला मैच खेले दो ओवर किए हैं और वैसे वो बागी में दो के बॉलिंग बहुत अच्छी की है, सही है। लेकिन अगर शाहिन शाह आफरीदी यहाँ पे फिट होते तो वो हो सकता था, वो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे, सही है। तो मैं स्टेट अवे शाहिन शाह आफरीदी का ही कहता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वक्त अगर मैं वर्ल्ड क्रिकेट की बात करूँ तो दो प्लेयर जो हमारे उनके पास काफी अच्छा चांस है। अगर अच्छा मैं बाबर आजम की बात करूँ, मोहम्मद रिजवान की बात करूँ, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। मुझे एक प्लेयर लगता है डेविड वार्नर, हो सकता है वो फिर यहाँ पे शायद बैक टू बैक दो दफा अच्छा।